करने के लिए आज यहाँ पे सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, उसके लिए मैं अपने पूरे समय की शिक्षा दिव्यांग बच्चों की तरफ से, पूरे हमारे स्पेशल एजुकेटर की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, हमेशा आपके हम रेडी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कन्या इंटर कॉलेज की गर्ल्स ने बहुत शानदार प्रयास हमारी म्यूजिक की मैडम का, और इनका नाम थोड़ा टफ है, मैं भूल जाता हूँ, ये यज्ञेश भैया ने हमारे कार्यक्रम की खूब रौनक बढ़वा दी है। दो छोटे छोटे कार्यक्रम के बाद बच्चों के लिए, और उमेश यादव जी और श्रीमती प्रियंका यादव जी, आपके स्कूल के बच्चों ने बहुत शानदार तैयारी की, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छी आपने अपनी ड्रेस भी, ड्रेस सज्जा भी बहुत सुंदर। ये माइक चंद्रशेखरे रजिस्ट प्रशिक्षण
माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा, साथ में शिशुपाल सिंह प्रमुख जी हमारे दोनों लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया आज के इस कार्यक्रम में दिव्यांग बालक जो हैं उनको उपहार देने का कष्ट करेंगे। हमारे चेयरमैन श्री रोहित बदवार जी, संरक्षक श्री सुभाष त्रेजा जी, अब चारों बच्चे दिव्यांग हमारे जिले के हमारी संस्था की तरफ से आज के दिन दिव्यांग बच्चों को पूरे जिले के जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रैक सूट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन के रूप में दो शब्द हमारी संस्था के लिए। आज बाल दिवस आप देखें, वीर बाल दिवस, हम लोग 1857 को तो याद करते हैं, हम 15 अगस्त सन 1947 को तो याद करते हैं, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन 1705 हम अभी देख रहे थे स्लोगन लिखा था, हम चाकर गोविंद के। तो किताबों में हम पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु जी आपकी गोविंद दियो बता। तो गुरु और गोविंद दोनों ऐसे हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए पंच प्यारे, जो आज भी हम उन्हें नमन करते हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन 1705 26 तारीख, जरा आप कल्पना करें कि बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं संकट आता है, कहीं मुसीबत आती है तो टूट जाता, लेकिन वो 9 साल और 6 साल के बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको मुगलों ने तमाम प्रलोभन दिए और ये कहा कि आप अपना धर्म त्याग दीजिए, तब उन बच्चों ने कहा, तो छोटा वाला जो था वो पहले उसके दीवार आ गई तो बड़े के आंखों में आंसू आ, तो छोटे ने कहा, पूछा बड़े से, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, बड़े ने कहा, आया मैं पहले था और जा तू पहले रहा। अपने चेयरमैन श्री रोहित बदवारी से निवेदन करूंगा, टोकन लव का हमारे सांसद जी को देने कष्ट करें। अब उधर आ जाए संरक्षक जी हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सांसद जी का, योगनेश जी का, प्रमुख जी का, जो सांसद जी को यहाँ लेकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा सास सास सिमरो सास सास सिमरो सास सास सिमरो सिमरो गोविंद सिमरो गोविंद मुसलमानों के साथ उनकी लड़ाई हुई। अक्सर बच्चों को यही बताया जाता है, यही बताया जाता है, हमें भी यही पता है अभी तक, क्योंकि हर एक चीज में इंसान जी। मिताशी देश पांडे जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और एक जो हमारी छात्रा है उससे मैं अनुरोध करूंगा, ये ट्रैक सूट के जरिए से उसका भी उत्सव से मिताशी देश पांडे जी का सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद के लिए संयुक्त रूप से बुद्ध का सहयोग रहा नर्सिंग कॉलेज की जो हमारी छात्रा है श्री ज्ञानी सोहन जी यहाँ मंच पर मौजूद है। आप थोड़ा सा तालियों से स्वागत उत्साहवर्धन कर दें। इसके बाद नेक्स्ट संस्था से हमारे जनपद का गौरव में बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ये आदरणीय श्री ज्योति बिंदी दत्ता जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं मंच पर। ये बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम जिसमें हमारे सभी जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनका मनोबल सागर छावड़ा जी को भी आमंत्रित करूंगा और छवि थरेजा जी के लिए भी आमंत्रित करूंगा कि आज आए कार्यक्रम लिस्टनिंग मेक्स 21 फाउंडेशन जो बहुत सारे संदेश देता है, चाहे वो शिक्षा का संदेश हो, सहयोग का संदेश हो, प्रेम का संदेश हो, समर्पण का संदेश हो। और शिक्षा विभाग का यूपीएस हरहरपुर से हमारी शिक्षिका श्रीमती सुनीता वर्मा जी यहाँ आई हुई है। सौरभ सिंह जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और देखिए वीर बालिका सम्मान जिसमें ज्योति जय लता साधना अनीता
सौरभ सिंह गजावत जी आ जाए, ये वीर बालिक का सम्मान उनके कर कमलों से प्रदान किया जाए, जिसमें उपस्थित रहेंगी श्रीमती सुनीता वर्मा जी भी, जो यूपीएस हरहरपुर की शिक्षिका है, और ज्योति जयलता, साधना अनीता, जिन्होंने खो खो में स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंचे हैं। और देखिए ये हमारी छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए वन बाई वन बच्चों को प्रदान की जा सके। ये कमलेश मैम के कर कमलों से इन चार बच्चों को पुरस्कृत किया जाना है। जी मैम आइए, बच्चों का लड़के एज ए टोकन ऑफ इनवॉइस लव अतिथि देवो भवा ये लिस्निंग मेक्स 21 कमलेश मैम हमारे बेसिक विभाग की बहुत ऊर्जावान शिक्षिका है, बड़े कीर्तिमान आपने अपने सेवा काल में स्थापित की है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो। कंचन सत्यना मैम जी जो जिला सचिव है जिला योग एसोसिएशन से, चार बच्चों को पुरस्कृत, हाँ चार बच्चों को पुरस्कृत उनके कर कमलों से, बीच विभाग की एक बड़ी अहम शिक्षिका है, बड़ी सहभागिता उनकी खेलों में और अन्य कार्यक्रमों में रहती है, आज उसी सहयोग की भावना से लड़की आज उसी सहयोग की भावना से वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। लड़की उनको दिमाग खराब है कंचन सक्सेना जी जो जिला सचिव है जिला योग एसोसिएशन की और बेशिक्षा विभाग की शिक्षिका भी है, योग कर्म सु कौशलम ये बहुत सुंदर सा स्लोगन एज ए टोकन ऑफ इमेंस लव। ये तकरीबन 12 लोगों की टीम है हमारी, इसके लिए आदरणीय श्री राजेंद्र मेदी रत्ता जी से अनुरोध है कि वो सभी को पुरस्कृत करें, सभी के सहयोग से जो भी विश्व दिव्यांग दिवस पर बहुत सुंदर कार्यक्रम वहीं से इंतखाब किया श्री राजन जी ने, एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाए, उसके लिए उसी कंसेप्ट को पूरा करने के लिए आज ये बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारे सभी स्पेशल एजुकेटर्स का इसमें सहयोग रहा कि उन्होंने छुट्टी के दिन भी इन बच्चों को उनके घरों से यहाँ तक पहुँचाया, आसपास के जो ब्लॉक्स थे वहाँ से सभी छात्र छात्राएँ यहाँ उपस्थित हो सके।